दोस्तों पीडब्ल्यूडी का जो कैंपस है प्रांतीय खंड का, ये सातवां दिन चल रहा है धरने का। इसमें अवर अभियंता के साथ उनके समर्थन में आजमगढ़ मऊ सहित कई जनपदों से लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं। हम बात करते हैं आजमगढ़ से आए हुए एक साथी से जो उनका समर्थन है। आइए बात करते हैं। जी सर, आप आजमगढ़ से हैं, क्या जानकारी है घटना के बारे में? जी, मैं मनोज कुमार यादव, डिप्लोमा इंजीनियर संघ का मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमारी जनपद कार्यकारिणी बलिया में जो हमारे साथी विजय प्रताप के साथ जो घटना घटित हुई, उसी के समर्थन में हमारे जनपद अध्यक्ष राहुल सिंह के द्वारा बताया गया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस घटना को लेकर के हम लोग अपने मुख्य अभियंता श्री योगेंद्र सिंह जी से मिले और उनको इस घटना के बारे में अवगत कराया। दूसरे दिन 18 तारीख को हमारे मुख्य अभियंता आ करके जनपद बलिया में सहायक अभियंता, हमारे जूनियर इंजीनियर साथियों के साथ सारे अधिशासी अभियंताओं को लेकर के CO साहब से मिले, SP साहब से मिले, DM साहब से मिले। इसके बाद बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 14 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी इस घटना का संज्ञान तो ले लिया गया, FIR दर्ज है, लेकिन अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो यहाँ जिस व्यक्ति ने यहाँ पे कृत्य किया है, वो व्यक्ति जो है यहाँ का कोई ठेकेदार, रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं है। वो कैंपस में आकर के अपने साथियों के साथ घूम करके गुंडागर्दी करता रहता है और जो है हमारे साथियों को परेशान करता रहता है। जैसा कि आप विज्ञ हैं कि इस समय हमारी राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। विशेष मरम्मत का आकलन हमारे साथी के द्वारा बनाया जा रहा था, उसके द्वारा पेपर छीन करके फाड़ना और ये सब शासकीय कार्य में जो है इसको अवरोध उत्पन्न करना है, ये भी धारा उसके ऊपर लगना चाहिए और सबसे बड़ा कृत्य है। और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं आपके मंच, आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूँ कि अगर 3 दिवस के अंदर अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम इस धरने को, धरना तो हम नहीं बोल सकते, हम लोग विकास कार्य करने वाले लोग हैं और हम लोग जो है विकास कार्य में सहयोग करते हैं राज्य सरकार का, हम इसको धरना नहीं बोल सकते। हम सम्मान के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं इसको मंडल स्तर पर लेकर जाएंगे। अगर मंडल स्तर पर अगर बात नहीं सुनी जाती है तो हमारा एक जो संघ है, हमारा पूर्वांचल स्तर भी है जिसके अंदर 3 क्षेत्र आते हैं, आजमगढ़, वाराणसी और मिर्ज़ापुर क्षेत्र। और 3 क्षेत्र के अंदर जितने जनपद आते हैं सारे जनपदों में हम लोग विकास कार्य को ठप करा देंगे जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होती है। हमारी बस एक ही मांग है, हम लोग विकास कार्य करने वाले लोग हैं, धरना प्रदर्शन करना हमारा काम नहीं है। हम सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ के जनपद जिलाधिकारी महोदय बलिया से, पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी कृत का व्यक्ति है, जो रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं है, आकर के हमारे सदस्यों को परेशान करता रहता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और यहाँ पे कम से कम इस कैंपस के अंदर हमारे सदस्यों, हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा की व्यवस्था कराएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना मंडल अध्यक्ष जी को। दोस्तों, धरने का 7वां दिन, जो इनकी मांगे हैं आपने सुना। इनकी मांग है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार।